सीता विवाह और राम का राजअभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त में किया गया, फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना राजअभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बलखी कहेहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया वही होकर रहेगा, ना राम के जीवन को बदला जा सका ना कृष्ण के, ना ही शिव ने शती के मृत्यु को टाल सके, जबकि मृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को ना टाल सके, न रावण अपने जीवन को बदल पाया न कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार समाज देश स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। साथ ही साथ अपने विशेष गुण, धर्म, स्वभाव और संस्कार सब पूर्व से ही लेकर आता है। इसलिए यदि अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने कर्म बदलें। आपके मदद के लिए स्वयं आपकी आत्मा और परमात्मा दोनों खड़े रहेंगे। उसे पुकारें, वह परमात्मा ही है जो आपका सच्चा साथी है। अपने परम पिता परमात्मा से ज्यादा शुभ चिंतक भला कौन हो सकता है हमारा? गौर कीजिएगा। धन्यवाद।